हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि ये डेडपूल के यूनिवर्स को किस चीज का खतरा है, कि वो वुल्वरीन से हेल्प मांगने गया, ऐसी क्या चीज है जो उसके पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर रही है, और साथ में ये भी देखेंगे कि वुल्वरीन का यूनिवर्स कैसे तबाह हुआ जहां पे वही अकेला एक्समैन बचा है। तो एक एक करके सब पे बात करेंगे, तो और देरी ना करते हैं, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वुल्वरीन का यूनिवर्स कैसे डिस्ट्रॉय हुआ। यहां पे चार पॉसिबिलिटीज है इसके यूनिवर्स के डिस्ट्रॉय होने का, और साथ में दो पॉसिबिलिटीज है कि डेडपूल का यूनिवर्स कैसे तबाह हो रहा है, जिसे हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे, क्योंकि में भी तो मजा आना चाहिए ना। तो वुल्वरीन का देखे तो पहला है ओल्ड मैन लोगन स्टोरी लाइन, जहाँ कॉमिक्स में ये हुआ था कि वो खुद ही अपने एक्समैन टीम को मार देता है अपने मिस्टीरियो चाचा के धोखे में आकर, जिससे धीरे धीरे उसका यूनिवर्स बर्बाद होने लगता है। और दूसरा हो सकता है एक वायरस, जिससे सारे म्यूटेंट्स मारे गए, जिस वायरस का नाम है कोरोना वायरस। ये बीच में ऐसा जो किसने डाला रे? तो दूसरा हो सकता है लोगन मूवी का स्टोरी, जैसे हमें मूवी के पहले ही दिखाते हैं कि इंसानों ने सारे म्यूटेंट्स को खत्म कर दिया है, और कुछ अपने एक्सपेरिमेंट से जो म्यूटेंट बच्चे पैदा करवाए थे उन्हें भी मारने में कामयाब हो जाए, और लोगन उस मूवी में मरने के बजाय जिंदा बच जाए। हाँ, जानता हूँ, इस थ्योरी में वो वजन फील नहीं हो रहा है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारी अगली वजनदार थ्योरी ये है कि व्हाट इफ अगर एक्समैन 3 मतलब एक्समैन द लास्ट स्टैंड मूवी में वुल्वरीन जीन ग्रे को नहीं मारता। तो याद है ना मूवी का एंडिंग का सीन, कैसा डिस्ट्रक्शन मचाए रखी थी वो। तो वहाँ पे जीन को मार देती है अपने एक्समैन फ्रेंड्स को भी, पर वहाँ वुल्वरीन बच जाता है अपने सुपर फास्ट हीलिंग पावर की वजह से। हो सकता है उसके पास मौका होगा जीन को मारने का, पर वो नहीं मारता। इसीलिए एक तो वो अंदर से टूट चुका है, और साथ में बाकी बचे लोग भी उसे पसंद नहीं करते हैं। देख रहे हो ना, बारटेंडर तक भी उसे डींगे हाँक रहा है। कोई इज्जत नहीं है वुल्वरीन का इस यूनिवर्स में। तो इसी के साथ हमारी अगली थ्योरी है, जो कि मैंने अपने रिव्यू वीडियो में भी बोला था, इनकर्जन, पर तब मैंने इसके बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया था। तो ये इनकर्जन एक रीजन हो सकता है वुल्वरीन के यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने में, क्योंकि इनकर्जन है ही ऐसी चीज जो बिना यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय किए रुकते ही नहीं है। क्योंकि जब दो यूनिवर्स के अर्थ आपस में टकराते हैं तो उसी इवेंट को इनकर्जन कहते हैं, जिससे दोनों यूनिवर्स खत्म हो जाते हैं। पर आप अगर एक अर्थ को खुद से डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो दूसरा बच जाएगा, मतलब ले देके एक को बचाने के लिए एक की बलि तो चढ़ानी पड़ेगी। मतलब ये वुल्वरीन ऐसे यूनिवर्स का है जहाँ हो सकता है इसी की वजह से इनकर्जन हुआ है, या इनकर्जन के दौरान अपने दोस्तों को बचा नहीं पाता। क्योंकि इस सीन में जो हमें ये दिख रहे हैं ये उसके फ्रेंड्स के ग्रेवयार्ड्स ही हैं, जिसके कारण ये अपनी जिंदगी से गिव अप कर चुका है। पर क्या करें, ये नॉर्मली खुद से मर भी तो नहीं सकता। इसीलिए तो जब डेडपूल उसके सिर पे बंदूक तानता है तो वो सेंस कर लिया होता है कि इसमें एडमेंटियम की गोली है, इसीलिए वो बंदूक से अपना सिर को सटा के मुस्कुराता है कि आखिरकार मुझे इस डिप्रेसिंग जिंदगी से आजादी मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं डेडपूल के वुल्वरीन के पास हेल्प मांगने आने का कारण। हो सकता है कि डेडपूल के यूनिवर्स में भी इनकर्जन शुरू हो चुका है, जिसे रोकने के लिए वो वुल्वरीन का हेल्प चाहता है। और नहीं तो इससे भी बवाल और खतरनाक थ्योरी ये हो सकती है कि टीवी डेडपूल के यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। जी हाँ, टीवी है। याद है ना लोकी सीजन 2 का वो सीन जहाँ उनके एक टच से पूरा यूनिवर्स मिट जाता है। अब तुम बोलोगे वो तो टाइमलाइन था, पर एमसीयू में तो इसी को मल्टीवर्स कहा गया है। मल्टीवर्स मतलब क्या, ढेर सारे यूनिवर्स का ग्रुप जो कि हमें अलग अलग टाइमलाइन के कॉन्सेप्ट से दिखाया गया है। तो हो सकता है डेडपूल को इसी का डर दिखा के नौकरों की तरह खटवा रहा है टीवी वाले। तो इन्हीं को रोकने के लिए वो वुल्वरीन के पास हेल्प मांगने जाता है कि चल भाई दोनों करण अर्जुन मिलके टीवी की बजाते हैं। तो आपको इन थ्योरीज में से कौन ज्यादा वजनदार लगी कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपके पास इससे भी हटकर कुछ थ्योरीज हैं तो वो भी कमेंट में बताओ, अगली वीडियो उसी पे बना देंगे। अभी भी अगर वीडियो देख ही रहे हो तो जाने से पहले कम एक लाइक तो करके ही जाना। मैं भी अभी चलता हूँ, बाय।